मुजम्मिल। हाँ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे जो मैं आज बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे मोरालिटी के ऊपर ही बात करनी है। मोरालिटी भी बात करनी और किसी चीज़ पर बात नहीं करनी? नहीं करें मोरालिटी पे बात। हाँ साहब, तो अगर इस्लाम छोड़ देंगे तो फिर हमारी मोरालिटी क्या रहेगी? मैंने साहिल साहब को एग्जांपल दिया गिर था कि जाएगी, सबसे बेस्ट। नाश हो जाएगी मोरालिटी हमारी, फिटे मुंह हो जाएगी मोरालिटी। नहीं साहब, मैं सरकास्टिक वे में बात नहीं मैं तो कर कह रहा हूँ। रहा हूँ अच्छा मैं एडम साहब, एक एक समरी में जी ये जी समरी समरी दे देता हूँ, फिर आप इसके साथ ये मोरालिटी पे बात कर लेना। समरी नहीं ये साहिल थी भाई, कि इसने अग्री किया था। साहिल भाई अच्छा चलो साहिल भाई साहिल भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे पता है आपने किस वजह से किया चलो होगा। आई नो आईसीआईसी यू, स्टार्ट कर लो। हाँ आप मेरे बड़े भाई हैं यार, मुझे पता है आपका। आपको मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई तो वो, आप तो इस पे करो। साहिल, हाँ तो साहिल भाई ने बोला था कि हम जिस साहिल भाई ने जिस क्या बोला? हेलो हेलो हेलो, मैंने उनसे कहा ना चुप कर जाओ, कहा है ना? आप जी मुझसे बात कर रहे हो कि साहिल से कर रहे हो? तो मुझसे जो करो। पॉइंट, अच्छा ठीक है, पॉइंट छोड़ दो, साहिल का क्या पॉइंट है? तुमने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे अच्छा बात कर ठीक रहे हो है, तुम? टॉक तो टू मुझे मी, आप 30 सेकंड सवाल करने देंगे? 30 सेकंड सवाल करो, 30 सेकंड सवाल। ठीक है, तो जैसे कि वेस्ट में बहुत सारे वीगन एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो सारे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो उनको एक मर्डरर और क्रिमिनल समझते हैं, ठीक है? तो फिर उनके मोरालिटी के मुताबिक तो हम एक मर्डरर और क्रिमिनल हैं, सही बोला? तो फिर मोरालिटी जब हम छोड़ देते हैं मजहब, तो फिर मोरालिटी कहाँ से आती है, ये आप मुझे बताएं। कहीं से नहीं आती, नहीं तो बताएं ना, तो फिर क्या फॉलो करें अगर मजहब छोड़ बताओ तो दें? ठीक है, फिर कहीं से नहीं आती? हम आपने मुझे कह दिया है, मैंने आपकी बात मान ली है, अब क्या करूं? नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि फिर हम लोग कैसे मोरल रहे, कैसे फॉलो करें तो फिर? क्या हम हम तो इस्लामिक बहुत, मॉरलिटी को एक्सेप्ट कर लें? तो फिर कौन सी मोरालिटी को एक्सेप्ट करें आप, हम मुझे मैं यही तो बताएं। पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं कि हर किसी को इस्लामिक मॉरलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कि ये पोजीशन बेहतरीन एक मुल्हिद की पोजीशन से बहुत बेटर है। बेहतरीन। इसका मतलब है हमें छोटी बच्चियों के साथ शादी करनी चाहिए, सेक्स स्लेव्स रखने चाहिए, हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। और ये पोजीशन को आप कह रहे हैं कि ये एक एथियस्टिक अच्छा ठीक है, एग्नोस्टिक तो मॉरेलिटी से। अच्छा शट अप, जब तुम भोंक रहे थे कुत्ते की तरह, मैंने तुम्हें बोला था बीच में, व्हाई आर यू अच्छा तो स्पीकिंग व्हेन आई एम आपने, स्पीकिंग? शट अप व्हेन आई एम स्पीकिंग, डोंट यू डेयर स्पीक। जब मैं तुम्हारी बात में नहीं बोला था, तुमने मुझे कहा तुम टाइम दो, मैं तुम्हारी इस बात में नहीं बोला, तुम क्यों बोल रहे हो? डोंट यू डेयर स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। मॉरलिटी में बात करना है तुम्हें, मॉरल एबीसीडीज नहीं पता? इस्लामिक मॉरलिटी में क्या अगले की बात करते वक्त बीच में बोलना होता है? Is that what your Islamic morality is or? What was I saying? Repeat my last sentence. Let's see कि तुमने सुना भी है कि नहीं सुना। Last sentence बोलो मेरा। मैं क्यों बोलूँ आपका लास्ट सेंटेंस? आप मुझे बताएं कि कैसे बोलो, मोरालिटी क्योंकि तुम में, बीच में बकवास कर गए थे। मैं देखूं कि तुमने सुना कि नहीं सुना। बोलो लास्ट सेंटेंस। पहले आप मुझे बताएं कौन सी मोरालिटी फॉलो लास्ट करनी सेंटेंस चाहिए। बोल दो अच्छे। मोरालिटीज में तुमने बात करनी है, बीच में तुमने इंटरप्ट किस हिसाब से किया? मोरालिटीज की एबीसीडी तुझे पता नहीं है? व्हाई स्पीक व्हेन आई वाज स्पीकिंग? टेल मी। भाई चिल्ला क्यों रहा है यार? भाई बीच में क्यों बोल रहा? भाई सुन लेना, तेरी बात सुन रहे एडम साहब ने मुझे भी रोका, क्योंकि तू अपनी बात पूरी कर ले। जब तुझे इतना चांस दे रहे हैं तो अच्छा ठीक है, टेक बोल एडवांटेज बोल ऑफ दैट बोल। यार। क्यों सामने वाले को तो ये कर रहा है तू? तेको पता है तो एडम साहब ने क्या सवाल किया था तुझसे? उन्होंने पूछा इस्लामिक मोरालिटी कैसे बेटर है। हाँ, तेको कुछ एग्जांपल्स नहीं दिया उसने, हाँ एग्जांपल भी एग्जाम्पल दिया जी, हाँ तो एग्जाम्पल मैं रिपीट करूँ आप चाह रहे हैं? ताकि पता लगे कि तूने सुना कि नहीं सुना। बीच में इंटरप्ट नहीं किया मेरे, तूने। नहीं मैं जवाब आपको रिप्लाई दूंगा, उससे पहले आप मुझे ये बता। खोती के बच्चे, क्यों बताऊं जब मेरा आंसर ही पूरा नहीं हुआ? मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, जीरो से रिपीट करूंगा, और तू बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि जब तू बोल रहा था उस वक्त मैं नहीं बोला। तूने मुझे कहा था मुझे 30 सेकंड दे, मैं चुप करके सुनता रहा। अब मैं बोलूंगा और तू बीच में बोलेगा नहीं। लेट मी रिपीट वट यू सेड। तूने कहा है कि हाँ बेहतर है कि इस्लामिक मॉरलिटीज को एक्सेप्ट किया जाए। मैंने कहा है परफेक्ट। इसका मतलब है कि हमें हर किसी को गर्दनों से पकड़ के इस्लाम में लेके आना है, ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। हमें स्लेव्स बनाने हैं, उनके साथ सेक्स करना है, ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। हमें 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उम्र के क्यों ना हो, हम 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये इस्लामिक मॉरलिटीज है।
इस्लामिक मॉरलिटीज के मुताबिक हमने ये समझना है कि हमारे अलावा बाकी तमाम लोग जो इस दुनिया में हैं वो कीड़े मकोड़ों से भी कमतर हैं और हम सबसे अफजल है क्योंकि हमें अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया है। ये इस्लामिक मॉरलिटीज हैं। इस्लामिक मॉरलिटीज ये हैं कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल शादियां कर सकते हैं जबकि हमारी बेगमात हमारा इंतजार करती रहे और हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस्लामिक मॉरलिटीज हैं। और इस्लामिक मॉरलिटीज ये हैं कि हम जब चाहें किसी भी बीवी को तलाक दे सकते हैं और दूसरी बीवी रख सकते हैं। ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। इस्लामिक मॉरलिटीज में अगर हमें कोई बीवी लड़की अच्छी लगती है तो हम उसके साथ जब चाहें शादी करवा सकते हैं सिर्फ छोटे से पैसों के ऊपर। अगर उसके माँ बाप गरीब हैं तो पैसे लेके शादी कर लेंगे। इसको आप उजरत कहते हैं कुरान के अंदर, सरमाया उजरत यानी कि लेबर मनी दे के आपने उसके साथ शादी कर लेनी है। तलाक देते वक्त आपने कुछ नहीं करना, आपके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप उसके बच्चों का बोझ उठाएं, फर्ज नहीं है, अच्छा है कि आप उठा लें। ये इस्लामिक मॉरलिटीज हैं। आपको इस्लामिक मॉरलिटी सुननी है तो आपके पास किसी किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। आप मोहम्मद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ये इस्लामिक मॉरलिटीज हैं। आप अल्लाह के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। चैप्टर 5 आयत नंबर 101 कहती है कि मोहम्मद जब तक तू जिंदा है उस वक्त ये लोग जितना सवाल करें करें, उसके बाद अगर मोहम्मद मर गया तो उसके बाद सवाल करना नहीं है। ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। आपके मुंह पे जिप लगा दी गई है, आपने जहां जाना है इस्लाम को प्रीच करना है, लोगों को इस्लाम में लेके आना है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम की कहती है कि उनकी गर्दनों में जंजीर डाल के उनको कुत्ते की तरह, ये मैंने कुत्ते का लफ्ज डाला है, घसीट के लेके आओ इस्लाम में। इस वजह से तुम सबसे अफजल कौम हो। ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। इस्लामिक मॉरलिटीज कहती है कि आप जिहाद पे देख लो, जब भी आपको कॉल आउट किया जाए फॉर जिहाद, और अगर आप जिहाद पे नहीं निकलो तो नबी कुरान चैप्टर 9 आयत नंबर 40-48 कहती है, नबी तुम इनके लिए नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? क्योंकि तुम्हारे साथ जिहाद पर नहीं निकले, लड़ाई करने नहीं निकले, अपंगता नहीं निकले। और ये इस्लामिक मॉरलिटीज है। इस्लामिक मॉरलिटीज ये कहती है कि तुम जिस भी जगह पे जाओगे तुमने वहां पे उनको तीन ऑप्शंस देनी है। क्या तीन ऑप्शंस देनी है? इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, या लड़ाई के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। 600 साल तक तुम लोगों ने कत्ले आम किया, कुफार का, क्रिश्चियंस का, यहूदियों का, हिंदुओं का, किस वजह से? इस्लामिक मॉरलिटी की वजह से। स्पेन के अंदर जाके तुमने औरतों का जिनाए आम किया, किस नाम के ऊपर? मलकल यमीन के नाम के ऊपर, जो कुरान में कहता है कि मोमिनों के लिए मलकल यमीन हलाल है कि वो उनके साथ सेक्स करें। दिस इज व्हाट इस्लामिक मॉरलिटी इज। इस्लामिक मॉरलिटी की तुम बात करते हो, तुम्हारा नबी कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर क्या बोलता है कि हर वो औरत जो अपना आप हिबा करना चाहे वो मोहम्मद को हिबा कर सकती है। मोहम्मद ने कितनी औरतों के साथ सेक्स किया है, सिर्फ वन नाइट के ऊपर छोड़ दिया है। दिस इज व्हाट हिबा इज। तुम इस्लामिक मॉरलिटीज की मुझे बात करते हो। तुमने औरतों को रंडी बना दिया, इस दुनिया में छोड़ो तो आखिरत में भी रंडी बना दिया कि तुम्हारा एक एक दिन में तुम हजार मरतबा सेक्स करोगे। ये तुम्हारी इस्लामिक मॉरलिटीज है। तुम चाहते हो कि ये इस्लामिक मॉरलिटीज वेस्ट के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि वेगन फूड और कुछ लोग कहते हैं वेगन खाना नहीं अच्छा, उनके कंपैरिजन में अच्छी है? वेगन वर्सेस नॉन वेगन के कंपैरिजन में ये स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी एंड मॉरलिटीज अच्छी है? वल्ला हबीबी, किसी जगह पे, दुनिया के किसी भी जगह पे जाके मुझे इन मॉरलिटीज को सच्चा साबित करके दिखा दो, पता तो लगे तुम मॉरलिटी किसको मानते हो। तुम सब हमारे पैरों की धूल हो, हम विनाश के देवता है बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट में अभी इंसेस्ट को लीगल किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं साहिल साहब से जवाब पूछा तो साहिल भाई ने जलेबियां बनाई और कुछ प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दिया। अब आप मुझे बताएं कि इंसेस्ट एक सही चीज है कि गलत? क्योंकि बिल्कुल सही चीज नहीं है इंसेस्ट। अच्छा तो फिर वेस्ट में क्यों अलाउ हो रहा है? सो व्हाट, उसके ऊपर अगर कुछ लोग इंसेस्ट को हलाल कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसे हराम भी कह रहे हैं, कहीं पे लीगलाइज नहीं है। नहीं, अभी इसके ऊपर लड़ाई हो रही है और बहस हो रही है। नहीं, बट इंसेस्ट को लीगल करने की बात है। इंसेस्ट इज जी, कैन यू डिफाइन व्हाट इंसेस्ट इज? देखें, मुझे ये सब डिफाइन नहीं करना है। कैन यू डिफाइन व्हाट इंसेस्ट इज? रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स एंड फैमिली मेंबर्स। सिबलिंग्स, कैन यू डिफाइन व्हाट सिबलिंग इज? नहीं, मुझे आपको सिबलिंग डिफाइन नहीं करना है। या क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? हिंदुओं के अंदर वो फर्स्ट कजन को भी सिबलिंग्स रखते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर फर्स्ट कजन्स को भी सिबलिंग्स रखते हैं। आपकी आइडियोलॉजी के अंदर आप फर्स्ट कजन से शादी कर सकते हैं, क्रिश्चियंस और हिंदू फर्स्ट कजन के अंदर शादी नहीं कर सकते, बल्कि हिंदू तो सेकंड और थर्ड जनरेशन कजन के साथ भी शादी नहीं करते।
जो सही वाले सत्ते वाले किस्म के हिंदू हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि इंसेस्ट, आप तो खुद इंसेस्ट कर रहे हैं हिंदुओं के मुताबिक। अब मुझे बताओ हिंदूज आपको इंडिया में क्यों रखें, ये समझाओ मुझे। अगर इंसेस्ट के ऊपर इतना क्वेश्चन है तुम्हें वेस्ट में, हालांकि उसके ऊपर डिबेट चल रही है और लड़ाइयां हो रही हैं, मुझे बताओ कि आपको हिंदू सनातनी इंडिया में क्यों रखे, क्योंकि उनके मुताबिक आप लोग तो इंसेस्ट करते हो जब फर्स्ट कजन के साथ शादी करते हो। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वेस्ट में मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। गिव मी दी आंसर ऑफ माई क्वेश्चन बिफोर यू गो समवेयर एल्स। नहीं, आपने मेरी बात का जवाब दिया, दे दिया मैंने आपकी जवाब का पक्का, मैंने आपको नहीं दिया, नहीं दिया। अबे डंगर, तुमने कहे कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, खोती के बच्चे रिवाइंड करके देख ले, तुमने कहा अच्छी चीज है बुरी चीज है, सबसे पहला आंसर मैंने कहा कि गलत चीज है, सबसे पहले मैंने आंसर दिया। झूठ क्यों बोलते हो सालो खोती के बच्चों, मेरे साथ झूठ बोलोगे? मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या जवाब दिया, मुझे ये पता होगा 10 दिन बाद जब तुम आओगे तो मुझे ये भी पता होगा मैंने तुमसे डिबेट क्या की थी। तुम मुझे कह रहे थे 5 मिनट पहले जो मैंने बोला वो मैंने दिया, तुमने कहा है अच्छी चीज है बुरी चीज है, आप इसको अच्छा मानते हैं बुरा, मैंने कहा मैं गलत मानता हूं इसको, मैंने अभी बोला है सबसे पहले बोला है। डोंट टेल मी मैंने जवाब नहीं दिया, सुनो कानों से चुवन्नियां निकाल के सुनो। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, नहीं मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अच्छा तो आप मुझे बता दें आपको इस्लामिक मोरालिटी, पहले मुझे बताओ तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया था तुमने आपकी बात तो फिर क्यों कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया? नहीं तो आपने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दिया। मैंने प्रॉपरली रिप्लाई दे के फिर क्रॉस क्वेश्चन किया है, दिस इज द रूल ऑफ डिबेट, यू आस्क अ क्वेश्चन, आई गिव यू अ रिप्लाई एंड देन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। जब तुम्हें बात आएगी तू यू आंसर माय क्वेश्चन एंड देन गिव मी अ रिपटल क्वेश्चन, दिस इज हाउ डिबेट इज। आंसर माय क्वेश्चन। हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक तेरे मोहम्मद को आया था, हार्ट अटैक से पहले मर गया था क्योंकि उसको जहर के असर की वजह से इवेंचुअली हार्ट अटैक आया था। ये so अभी ये जानबूझ के गाली खाने की कोशिश कर रहा है एडम साहब, अभी इसको डिस्कशन नहीं करना है, इसको गाली खाना है। कोई बात नहीं, वो वहां तक पहुंचने दो इसको, मैं वहां तक भी पहुंचाऊंगा इसको। हाँ, अब जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे। मेरा सवाल क्या था लास्ट तेरा आंसर देने के बाद? मेरे सवाल का पहले जवाब दो। दे चुका हूं, दे चुका हूं। चल गेट लॉस्ट, ये होता, दिस इज व्हाट हैपेंस। आई गेव हिम एन एक्सप्लिसिट आंसर कि इंसेस्ट इज बैड, इट्स रॉन्ग, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं, और वेस्ट में जिस जगह पे इंसेस्ट की बात हो रही है मैं वहां पे भी जो उसको रोकने के लिए खड़े हैं मैं उनमें खड़ा हूं। अच्छा, शायद वो ये कहना चाह रहा रहेगा एडम साहब, शायद वो ये कहना चाह रहा होगा कि आपने जवाब दिया लेकिन मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा, या आपने सही जवाब नहीं दिया। अगर तू ऐसा कहना चाह रहा है तो काउंटर क्वेश्चन कर और उन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दे। डोंट से कि जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, स्टूपिड आंसर, आई गेव यू द आंसर। तुम मुझे मेरी बात का जवाब दो और फिर अपना काउंटर सवाल रखो, या अपना काउंटर सवाल रख के मुझे कहो कि भाईजान नहीं ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। आई गेव यू द आंसर कि हिंदू धर्म में दूसरी तीसरी नस्ल की फर्स्ट कजन से भी शादी नहीं करते, और क्रिश्चियनिटी के अंदर फर्स्ट कजन से शादी नहीं करते। तो हर क्रिश्चियन और हर हिंदू धर्म मानने वाले, दे विल एग्री विद मी कि इंसेस्ट्री इज रॉन्ग, इट्स बैड, और इस्लाम में इंसेस्ट्री है क्रिश्चियंस के मुताबिक भी और हिंदू सनातनियों के मुताबिक भी। बाकी धर्मों का मुझे अभी इतना नहीं पता, लिहाजा उनके बारे में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इस्लाम में फर्स्ट कजन के साथ शादी है, हेंस इस्लाम जो है वो फर्स्ट कजन से शादी कर रहा है, तो हिंदुओं के मुताबिक किसी मुसलमान को होना नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। इसे कहते हैं सेक्युलर देश एंड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि नो मैटर तुम अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी या थियोलॉजी के अंदर कुछ भी करो, देश कंट्री उसको रोकेगी नहीं। इसी वजह से तुम इंडिया में बैठ के इंसेस्ट्री भी करते हो और तुम वहां पे रह सकते हो, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर देश है। वरना अगर ये हिंदू देश होता, साहिल क्या कहते हैं यार इसको, हिंदू देश को क्या लफ्ज़ बोलते हैं यार, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हाँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो आप लोग असूलन फर्स्ट कजन के साथ शादी ना कर सकते इन रियलिटी, असूलन, बिकॉज दिस विल बी इंसेस्टी। सो मैं जब जवाब देता हूं मैं कंप्लीट और मुकम्मल और मुफस्सल जवाब देता हूं, अल्लाह की तरह जवाब नहीं देता। मैंने आपको दो थियोलॉजीज के साथ मिलकर जवाब दिए, बट यू आर एन इडियट, यू आर नॉट विलिंग टू लिसन। तुम सिर्फ सवाल लेके आए थे और प्रॉब्लम यह हो गया तुम्हारे साथ कि मेरा जो जवाब है ना तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं था कि तुम उसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते। तुम्हारा सिलेबस जो था ना, जो सवाल के बाद अगला सवाल और सवाल के बाद अगला सवाल था, वो सिलेबस में नहीं था तुम्हारे, इसलिए तुम्हें समझ लग रही है अब जवाब कैसे दें। दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम।
तुम्हारे सिलेबस से बाहर जवाब था जी साहिल भाई, सॉरी। नहीं, इसका आपकी बात बिल्कुल सही है, he is not even worth, you know, discussing with him, not worth. इसने कल ये अग्री किया था कि भाई रेप को गलत समझना और मर्डर को गलत समझना, he doesn't require Islamic morality for that. मतलब खुदा बताएगा तो गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो टोटली अग्री पे डिस्कशन किस बात के लिए कर रहा है? एंड ऑफ डिस्कशन, एंड ऑफ द डिस्कशन हो गया था भाई, तो तेरे से आगे डिस्कशन क्या करेंगे व्हेन यू अग्री? किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो। ओके अच्छा एडम साहब, एक कॉमेडी के बाद और एक बताता हूँ, मैं बताना भूल गया। लोग वहां मेंशन कर रहे थे कमेंट में जिन्होंने कल का डिस्कशन सुना था, बोला टट्टी तू खाता है क्या नहीं खाता है? बोला नहीं खाता है। तो बोला अल्लाह ने बताया करके नहीं खाता है, या अल्लाह अगर नहीं भी बताएगा तो तू नहीं खाएगा? दैट मीन्स अगर इस्लाम उसको नजस नहीं मानता तो आप खा लेते। वल्ला हबीबी, तो उसने उसने वो उसमें कुछ सोसाइटी का एग्जांपल देके बोलता है कि अगर मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे लोग टट्टी खाते हैं तो मैं खाऊंगा। दिस वाज द आंसर ही गिव। वल्ला हबीबी, बेहतरीन हो गया सर। बस फिर सर अगर ये मोरालिटीज की डेफिनेशन है तो वी आर द एंड ऑफ डिस्कशन भाई। दिस इज व्हाई आई से कि इस्लाम अपंगों से भरा पड़ा है और कुछ भी नहीं।